सिर्फ 10 मिनट और चाट रेडी। खाना पकाने का मूड नहीं है और बच्चे भी भूखे हैं, तो सिर्फ 10 मिनट में चटपटी चाट तैयार। तो चलें बनाते हैं चटपटी क्रंची कॉर्नफ्लेक्स चाट, और वो भी मेरे वर्जन और मेरे स्टाइल में। अरे इमली की चटनी बनाना तो मैं भूल ही गई। सबसे पहले एक बॉयल आलू लेंगे और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब आधा टमाटर लेंगे और उसे भी छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने आधा किलो चने लिए हैं बॉईल हुए हुए। अब इसमें कटे हुए आलू और टमाटर शामिल कर रही हूँ और साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक का, एक छोटी डली प्याज की बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च मत डालें। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें 1 कप दही शामिल करें। अब इसमें आधा लेमन का जूस शामिल करेंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लेक्स शामिल करेंगे और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स जब ऐड करें जब आपको सर्व करनी हो, वरना वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे और फिर आपको खाने का मजा भी नहीं आएगा। थोड़ा सा दही इसके ऊपर गार्निश करेंगे और हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और हरा धनिया, आप जिस तरह भी इसे गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। वाओ लुक्स यम्मी, चाट हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें कितनी कलरफुल है और बहुत ही क्रिस्पी है, क्रंची है और इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और मैं इसे खाने के लिए जा रही हूँ, तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसका टेस्ट मजीद बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे सर्व करें पुदीने की चटनी या इमली की चटनी के साथ। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वाओ मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की रेसिपी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में रेसिपी का नाम लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर दफ़ा नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई रेसिपी रिलीज़ करूँ।